नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। सतना जिले की मझगवा जनपद पंचायत में पदस्थ सीओ द्वारा पत्रकार के विरुद्ध सोशल मीडिया में की गई अमर्यादित टिप्पणी से नाराज मझगवा तहसील के पत्रकारों द्वारा एकजुट होकर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को और पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन थाना प्रभारी मझगवा को सौंपकर जनपद सीओ के विरुद्ध कार्यवाही की मांग की गई है। साथ ही कार्यवाही न होने की स्थिति में सभी सरकारी कार्यक्रमों के बहिष्कार का ऐलान किया गया है। पूरा मामला जिले की मझगवा जनपद पंचायत का है। जनपद पंचायत के मुख्यालय स्थित ग्राम पंचायत मझगवा की वर्तमान सरपंच के पति राम अवतार अरक को आवंटित प्रधानमंत्री आवास की जांच कराए जाने के लिए ग्राम पंचायत के उपसरपंच और INDTV न्यूज चैनल के तहसील संवाददाता सफीर सौदागर राजू द्वारा आवेदन जनपद सीओ को सौंप कर मामले की जांच की मांग की गई थी, जिस पर जनपद सीओ सुलभ सिंह पुसाम द्वारा बगैर जांच के ही सरपंच पति को क्लीन चिट देते हुए उपसरपंच न्यूज चैनल रिपोर्टर सफीक सौदागर राजू के विरुद्ध सोशल मीडिया में अमर्यादित टिप्पणी की गई थी, जिसके चलते तहसील के सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कर्मियों के अंदर काफी रोष व्याप्त था। बुधवार को तहसील मझगवा के लगभग सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कर्मियों द्वारा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन एसडीएम मझगवा पीएस त्रिपाठी को और पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन थाना प्रभारी को सौंपकर जनपद सीओ के विरुद्ध कार्यवाही की मांग की गई है। साथ ही कार्यवाही न होने की स्थिति में तहसील के सभी सरकारी कार्यक्रमों के बहिष्कार का ऐलान किया गया है। गौरतलब है कि मझगवा जनपद पंचायत सीओ सुलभ सिंह पुसाम इसके पहले भी अपनी कारगुजारियों के चलते काफी चर्चित रहे हैं। बीते वर्षों में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा सिंगरौली जिले की चुतरंगी में भरे मंच से सुलभ सिंह को लताड़ लगाई गई थी। साथ ही मंच से ही इन्हें जिले से बाहर भेजने के आदेश दिए थे। बावजूद इसके जनपद सीओ सुलभ सिंह पुसाम अपनी आदतों से यहां भी बाज नहीं आए और भ्रष्टाचार के उजागर होने से बौखलाकर पत्रकार के ऊपर ही अमर्यादित टिप्पणी कर डाली, जिससे नाराज होकर पत्रकारों द्वारा ज्ञापन सौंपकर कार्यवाही की मांग की गई है। इस मामले पर मझगवा एसडीएम पीएस त्रिपाठी द्वारा कहा गया कि ज्ञापन मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजा जाएगा, साथ ही पूरे मामले में उच्चाधिकारियों को अवगत कराया जाएगा। सभी पत्रकार बंधु, क्या है आपको बता दें कि हमारे एक मित्र हैं शफीक सौदागर, उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ सीओ मझगवां सुलभ सिंह के विरुद्ध समाचार छापने की बात की हो, ये छापा हो तो उन्होंने उनके मतलब अपने सोशल मीडिया में अपनी खुद की बना करके और उसको जारी कर दिया। अब ये बात हमको अच्छी है, उनका आरोप यह है कि पत्रकार जबरदस्ती दबाव बनाते हैं। भाई पत्रकार बताएं ना किस बात का, सीओ से आज तक किसी ने एक पैसा मांगा हो तो अपना पक्ष प्रस्तुत करें, इसके पक्षधर में हूँ मैं। अगर ऐसा नहीं है तो सीओ सरेआम गलत कर रहा है और सीओ की जियाती हम कभी ना चलने देंगे। न्याय काम होना चाहिए और सभी पत्रकार एक साथ हैं, न्याय की लड़ाई लड़ी जाएगी। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तो हम देखेंगे सीओ साहब कितनी जाति चलाते हैं और कैसे चलाते हैं। मांग ये की गई है कि जब तक सीओ द्वारा लगाए गए आरोप की जांच के सत्यापन करके दोषी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, तब तक हम सभी पत्रकार बंधु कोई भी काम शासकीय और अशासकीय कोई भी व्यक्ति का प्रकाशन नहीं करेंगे। मेरा नाम आर के सोनी, मैं दैनिक भास्कर पत्रकार हूँ, 28 साल से दैनिक भास्कर में हूँ। मुझे लगता है पूरा जिला जानता है। मैं देखिए, विषय ये था कि मझगवां जनपद पंचायत में जो जनपद सीओ हैं सुलभ सिंह पुसाम के जी, उनके द्वारा पत्रकारों के विरुद्ध सदैव से उपेक्षापूर्ण व्यवहार रहा है। अभी हमारे मझगवां के एक पत्रकार साथी हैं शफीक सौदागर, उनके द्वारा कुछ भ्रष्टाचार के शिकायतों को उजागर किया गया था सोशल मीडिया के माध्यम से, जिस पे उन्होंने कमेंट करने हुए पत्रकार साथी के ऊपर यह आरोप लगाया था कि इनके द्वारा अनर्गल मांगें की जाती हैं। हमने इस संबंध में आज थाना प्रभारी महोदय मझगवां और एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंप कर यह जानने की कोशिश की है कि आखिरकार पत्रकारों के द्वारा जनपद सीओ से ऐसी कौन सी अनर्गल मांग की जाती है। रुपया मांगा गया, पैसा मांगा गया, क्या मांगा गया, और अगर नहीं मांगा गया है तो उन्होंने इस प्रकार से यह दुर्भावनापूर्ण बात क्यों लिखी। तो हमने आवेदन दिया है और उस पर जाँच की मांग की है। अब देखते हैं प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। तो प्रियंत है होगा कि जब तक इसकी जांच करके और कार्रवाई नहीं होती तब तक हम लोगों ने निर्णय किया है कि किसी भी जो है कार्यक्रम का हम बहिष्कार करेंगे, उसका कवरेज नहीं करेंगे। या तो वो स्पष्ट करें कि हमने क्या मांगा है, और नहीं हमने अगर कोई नहीं मांगा है तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई हो। हम तो कह रहे हैं ना, चीख के कह रहे हैं, चिल्ला के कह रहे हैं कि बताएं वो कि क्या मांगा है। खुलासा, मेरा नाम विनोद शर्मा है और मैं पत्रकार हूँ AMB न्यूज़ चैनल और एशियन भारत से। देखिए, विषय ये था कि
मझगांव जनपद पंचायत में जो जनपद सीईओ हैं सुलक्षण कुशाम के जी, उनके द्वारा पत्रकारों के विरुद्ध सदैव से उपेक्षापूर्ण व्यवहार रहा है। अभी हमारे मझगांव के पत्रकार साथी हैं शफीक सौदागर, उनके द्वारा कुछ भ्रष्टाचार के शिकायतों को उजागर किया गया था सोशल मीडिया के माध्यम से, जिस पे उन्होंने कमेंट करने हुए पत्रकार साथी के ऊपर यह आरोप लगाया था कि इनके द्वारा अनर्गल मांगे की जाती हैं। हमने इस संबंध में आज थाना प्रभारी महोदय मझगांव और SDM साहब को ज्ञापन सौंप कर यह जानने की कोशिश की है कि आखिरकार पत्रकारों के द्वारा जनपद सीओ से ऐसी कौन सी अनर्गल मांग की जाती है, रुपया मांगा गया, पैसा मांगा गया, क्या मांगा गया, और अगर नहीं मांगा गया है तो उन्होंने इस प्रकार से यह दुर्भावनापूर्ण बात क्यों लिखी। तो हमने आवेदन दिया है और उस पर जाँच की मांग की है, अब देखते हैं प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। तो प्रशासन के पाले में गेंद है, किस तरह की कार्रवाई की अगला कदम यही होगा कि जब तक इसकी जांच करके और कार्रवाई नहीं होती तब तक हम लोगों ने निर्णय किया है कि किसी भी जो है कार्यक्रम का हम बहिष्कार करेंगे, उसका कवरेज नहीं करेंगे। या तो वो स्पष्ट करें कि हमने क्या मांगा है, और नहीं हमने अगर कोई नहीं मांगा है तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई। हम तो कह रहे हैं ना, चीख के कह रहे हैं, चिल्ला के कह रहे हैं, तो बताएं वो कि क्या मांगा है, खुलासा करें। जनपद सी क्या नाम है? विनोद शर्मा, पत्रकार हूँ AMD न्यूज चैनल और एशियन भारत। गोवा के पत्रकार श्री राजू सौदागर के विरुद्ध सीओ द्वारा सोशल मीडिया पर अपमानजनक बात कहने के संबंध में आज मझगवां क्षेत्र के सभी पत्रकार लोगों ने एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें जो सोशल मीडिया पर जो कमेंट हुआ है उस पर आपत्ति करते हुए, उसको अपमानजनक बताते हुए उसकी जांच कराने और कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है। ये जो तथ्य बताए गए हैं और उसके साथ जो सोशल मीडिया पर जो कमेंट हैं उसका फोटोग्राफ प्रस्तुत किया गया है, इसकी हम लोग जांच कराएंगे, और जो मूल तथ्य जिस बात से लेकर ये मामला चला है वो भी हमारे संज्ञान में आ गया है और उस मामले की भी हम लोग पूरी जांच कराएंगे।